जी तो व्यूअर्स, हमारे पास खाने की इतनी वैरायटी जो है ना वो आ चुकी है नाश्ते में, मतलब कि ये सारी चीज़ें देसी नाश्ते हो और ये मौसम हो तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। फुल ठंडा ठार मौसम है, बारिश का भी माहौल बन रहा है और यहाँ पर हमारे पास जो है आप देखें साग, पेड़े, शक्कर पाए और पता नहीं क्या क्या। सबसे पहले तो भाई मिस्सी की रोटी, आप जो स्पेशल एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पर हम उससे ज़रा ट्राई करते हैं। वाह जी वाह, फुल गर्मा गर्म है और हम वैसे खाली बाइट लेके देखते हैं। मतलब बंदा तो इसको, अगर ये आपकी रोटी ठंडी भी हो जाए ना, आराम से इसको आप बाद में भी खा सकते हैं। अंदर मसाले वगैरह, नमक वगैरह भी डला हुआ है, मजे की है यार। साग के साथ भी ट्राई करते हैं। वाह जी वाह, ये डिफरेंट चीज़ें अंदर इन्होंने जो है ना मुख्तलिफ जीरे वगैरह डाले हुए हैं, जो कि यार साग तो मजे का है। जल्दी जल्दी मैं ना सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ। मिस्सी की रोटी तो यार कमाल है। ये है इनका आलू का पराठा और ये इन्होंने ज़रा वही जो लच्छेदार स्टाइल में जो पराठे बनते हैं ना वो है। मसाले आप देखें ज़रा इधर, इधर आलू है और इसके अलावा जो है सौंफ, जीरा वगैरह जो है वो डला हुआ है। मसाले जो है ना कमाल के हैं यार, कोई हैवी किस्म के इन्होंने मसाले डाले हैं जो कि बहुत टेस्ट करवा रहे हैं। ये आ गया जी लच्छेदार पराठा, इसको हम जरा मीठा मीठा सा। चलें इसके साथ जरा हम ट्राई करते हैं। यार चने डिफरेंट हैं और बहुत मज़ेदार हैं, जो उसकी वो तरी होती है ना अंदर। हाँ, ये अंडा लेते हैं। अभी ये तंदूरी पराठा है और इसको ज़रा हम ज़रा ट्राई करते हैं साग और ये जो पेड़े हैं ना साथ। मक्खन के पेड़े, ये मक्खन आ गया, ये आ गया हमारा साग और ये हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है जो कि बड़ी जबरदस्त है। वाह यार, एक और ये आप मक्खन लें ठीक है रोटी के साथ और इसके ऊपर आप डालें ये शक्कर पकड़ें, शक्कर ऊपर आप ऐसे करके डालें और ये जो बाइट होगी ना, हाय हाय हाय, मैं बोलूँ स्वाद आ गए। बचपन के वो दिन याद आ गए कि जब जो है ना खाने के लिए घर पे कोई ऐसा सालन होता था जो हम लोग कहते थे नहीं खाने का दिल नहीं है, तो फिर दिल करता था यार साग या घी और ऊपर शक्कर डाल के खाई जाए तो मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और मज़ेदार किस्म का नाश्ता है। हम ज़रा जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ये ना हो कि बारिश तेज़ हो जाए और हमारे नाश्ते का जो मैंने माहौल बनाया हुआ था ना, लगता है गुजरते गुजरते लोगों ने नज़र लगा दी है, बड़े लोग तस्वीरें उतार के गए हैं। आपका भी दिल कर रहा होगा आके खाने का तो भाई आओ खाओ ठीक है। बल्कि ये रोटी हम, ये जो हमारी दूसरी सादा रोटी है उसके साथ हम अपनी ये बीफ निहारी जो है ना वो ट्राई करते हैं। नींबू आ गया, हाँ ये हमारी बीफ निहारी। वाह क्या बात है, जाटी की लस्सी ठंडी ठार। ये हैं बड़े पाए और ओह ये अंदर जो है ना इन्होंने जो नलियां क्या कुछ जो है ना डाला हुआ है आप देखें। ओहो हो,
भाई क्या बात है, ये आए हमारे पाए, ये आई थोड़ी सी हमारी नली और ये हमारी गई एक हैवी किस्म की बाइट। वाह। अच्छा मैं आपको अपना सारी चीज़ों में से बताऊँ ना कि जिसका मज़ा आ गया। एक तो मिस्सी की रोटी एक डिफरेंट चीज़ है, मज़ा आया ठीक है। उसके बाद चने इनके वाकई बहुत कमाल के हैं, और यार ये जो पेड़े और साथ में जो शक्कर का मज़ा है ना, हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता ना। हैवी लस्सी तो वही चलती है भाई, हैवी नाश्ता हो गया। मैं तो इसे खा रहा हूँ, इंजॉय करूँ, और साथ में पीछे तंदूर में गरम गरम रोटियाँ लग रही हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, मौसम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सामने देसी नाश्ता है, लस्सी चल रही है, और क्या चाहिए। यार मिस्सी की रोटी जो है ना वो ज़रा हम थोड़ी खाते हैं, ये एक मज़े की चीज़ है यार, बेसन वाली मिस्सी की रोटी है। चलें ये इंजॉय कर रहे हैं और बारिश भी हो रही है, मैं ज़रा खाता हूँ, उसके बाद आपको ज़रा इसकी प्राइस वगैरह भी बताता हूँ। तो व्यूअर्स हमने बहुत ही मजेदार किस्म का नाश्ता जो है वो एंजॉय किया, और यहाँ पर गहमा गहमी तो आप देख ही सकते हैं, अकरम कदीमी नाश्ता पॉइंट ये पॉइंट है, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ चीजें थी। अगर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस भी काफी रीजनेबल हैं, जो मैंने इतना मजेदार किस्म का मील खाया जो कि 5-6% के लिए इनफ है, तो उसका अगर हम बिल की बात करें तो वो अराउंड 1400 बनता है, यानी कि आप 1400 में ये सारी चीजें इंजॉय कर सकते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर आकर अगर ये मज़ेदार किस्म का देसी नाश्ता खाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहें पाए, निहारी, साथ में साग, मक्खन, पेड़े, लस्सी, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर इन जस्ट $6 USD में आपको मिल जाएगा। तो लाजमी आएँ, ट्राई कीजिए।